हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह टाइम एंड वर्क की है, क्लास नंबर 4। तो आज हम इसमें क्लास नंबर 4 में नए टाइप सीखेंगे। इसके पहले हमने क्लास नंबर 3 तक कंप्लीट कर दिया है, वीडियो अपलोड हो गई है। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो उसको जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पर हमने चीज़ों को बेसिक से और शुरू से स्टार्ट किया हुआ है। तो इसकी मैं आगे सीरीज़ बनाता रहूँगा। और अगर जो टॉपिक आपके छूटे हुए हैं, जैसे परसेंटेज आपने नहीं देखा है, प्रॉफिट लॉस नहीं देखा है, आपने नंबर सिस्टम नहीं देखा है, तो आप इनकी जो है लिंक मिल जाएगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से आप जो है इसको प्लेलिस्ट होंगी, मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर वाइज हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ से भी आप सारी चीज़ों सीक्वेंस से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को आज का। तो आज का सेशन में देखिए, टाइप नंबर 4 में कह रहा है कि ए बी सी और डी किसी काम को क्रमशः 20, 30, 40 और 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो चारों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम इसको दो मेथड से सीखेंगे करने को क्वेश्चन को, ठीक है। दो मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला मेथड हमारा होगा थोड़ा सा बेसिक होगा, बस उसी चीज़ को मॉडिफाई करके एक नए पैटर्न में हमने बना दिया है उसी, तो हम दोनों तरीके से सीखेंगे आपको। लेकिन हम काम जो करेंगे वो सारे सिर्फ एक ही मेथड पर करेंगे, यानी कि बेसिक मेथड पर, ठीक है। मैं उसकी ट्रिक्स आपको बताता रहूँगा। तो जैसे मान लीजिए कह रहा है कि ए बी सी और डी किसी काम को क्रमशः 20 दिन में, ए मान लीजिए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में, सी 40 दिन में और डी 60 दिनों में, तो तीनों चारों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो मान लेते हैं कि जो समय लगेगा वो टी समय लगेगा, कितना लगेगा, टी समय, और टी बटे हो जाएगा 20 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा टी बटे हो जाएगा 30। फिर हम प्लस करेंगे, सबको जोड़ देते हैं और टी बटे हो जाएगा 40 और प्लस हो जाएगा टी बटे हो जाएगा 60, बराबर के कितने काम, एक काम, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। सभी का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो आएगा 120, तो 20 छका हो जाता है 120, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 प्लस 3 चौक 12, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 40 और प्लस हो जाएगा फिर 4 × 3 = 12, यहाँ पर हो जाएगा 3t और प्लस यहाँ पे 6 × 2 = 12, यानी कि 60 का डबल करेंगे 120 होता है, तो 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा हमारा 2t हो जाएगा, बराबर के कितने काम, एक काम। अब मान लीजिए सभी 120 हैं, अब सभी टी को जोड़ दीजिए, अगर अब मान लीजिए यहाँ 1/1 होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ना हम, तो वही काम हमें करना है, यानी कि 6, 4, 10, 3, 13 और 2, 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15t बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 120, तो टी बराबर जो आंसर आएगा वो कितना जाएगा 120/15, तो आंसर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि जो समय आएगा वो कितना आ जाएगा 8 दिन में तीनों मिलकर काम को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। टी मतलब क्या, हमने मान लिया था ना कि टी समय में वो काम को समाप्त करेंगे, तो उन्होंने कितने दिनों में समाप्त कर दिया काम को, 8 दिनों में लोगों ने काम को समाप्त कर दिया तीनों लोग मिलकर। अब इसकी ट्रिक क्या है, तो एक बार हम ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ट्रिक देखें क्या हो गई। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर नाम लिख लीजिए ए बी सी और डी, इनके जो काम कर रहे हैं, ये कुल काम टोटल काम कितना कर रहे हैं, देखें टोटल जो काम हो कितना है, 30 काम, ठीक है। ए जो है 20 दिन में काम करता है, ए 20 दिन में काम करता है, ठीक है, और जो बी है वो कितने दिनों में, 30 दिनों में काम करता है, और सी कितने दिनों में करता है, 40 दिनों में, और डी कितने दिनों में करता है, 60। अब इनका एलसीएम सबका ले लीजिए, वही काम हमने किया है जो आपने लिया है एलसीएम यहाँ पर किया है, तो टोटल जो एलसीएम आएगा वो आएगा 120। अब 20 छक्का होता है एक दिन, अब यहाँ पर निकाल लीजिए कि एक दिन का काम, मतलब इनका एक दिन का काम, तो एक दिन का काम कितना है, 20 × 6 = 120, 6 दिन आ जाएगा। ए मतलब एक दिन में 6 काम करता है, बी जो है 30 है, तो 3 × 12 यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी कि बी जो है एक दिन का काम करेगा 4। फिर सी जो है 4 × 3 = 12, मतलब सी जो है एक दिन में काम करता है वो 3, और डी जो है एक दिन में जो काम करता है वो कितने दिन में करता है, वो काम करेगा 6 × 12, यानी 2 काम। अब तीनों लोग मिलकर जो एक दिन में काम कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 6, 4, 10, 3, 13 और 2, 15, मतलब तीनों लोग एक दिन में काम को जो कंप्लीट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, वो कितने काम कर रहे हैं, 15 काम। अब बताएं कि कुल जो काम है टोटल, टोटल काम है 120 और एक दिन में करते हैं 15 काम, तो वो 120 काम को कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे तीनों मिलकर, तो मतलब यहाँ पर 15 से हमें भाग दे देना है, तो आएगा कितना, 8 दिन में। तो मतलब वो तीनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगे कितने दिनों में, 8 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे तीनों मिलकर के, ठीक है। एलसीएम लेना हमें 20, 30, 40 और 60 का एलसीएम होगा 120, और एलसीएम लेने के बाद हमने क्या किया, एक दिन का इनका काम निकाल लिया कि भाई बी जो है एक दिन में करता है कितना काम, 6 काम, बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम, सी एक दिन में कितना काम करेगा, 3, और डी एक दिन में कितना काम करेगा, 2, तीनों मिल करके एक दिन में काम ख़त्म करते हैं 15 काम, और कुल काम हमारे पास है 120, तो यानी कि 120 जो काम होगा वो कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे तीनों मिल करके,
120 बटे 15 आ जाएगा 8 दिन। ठीक है, तो दोनों ही मेथड आपके लिए बेस्ट है। काम हमने यही किया जो यहाँ पर हमने फर्स्ट टाइप में किया था, और उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने एक नए तरीके से काम को समाप्त कर दिया, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं टी मान लिया था। तो हम दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नंबर क्वेश्चन नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में क्या कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को क्रम से 15, 20, 30 दिनों में समाप्त करते हैं, तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले नाम लिख लीजिए ए बी और सी। ए काम को समाप्त करता है 15 दिन में, ये आपका क्या है कुल काम है, क्या है कुल काम है। ए काम को समाप्त करता है 15 दिन में, बी काम को समाप्त करता है 20 दिन में, सी काम को समाप्त करता है 30 दिनों में। अब सबका एलसीएम ले लीजिए, जब सबका एलसीएम लेंगे तो आएगा 60, तो 15 चौके काम। अब एक दिन का काम निकालिए कि एक दिन में काम कितना करते हैं, तो एक दिन काम तो 15 चौके 60, मतलब यहाँ पर हो जाएगा ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में काम करता है 20 30 60, मतलब 3 काम एक दिन में भी, और सी कितने दिनों में काम समाप्त करता है 3 2 6, मतलब 2 काम एक दिन में लोग काम करते हैं, यानी कि ए एक दिन में काम करता है 4, बी एक दिन में काम करता है 3, सी एक दिन में काम करता है 2। अब तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना ख़त्म करते हैं, 4 3 7 2 9 काम, मतलब 9 काम जो है ये तीनों मिलकर के इस काम को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये तीनों मिलकर एक दिन का काम कितना है इनका, 9 काम। तो बताएं 60 टोटल कुल काम कितना है, 60 काम है। एक दिन में कितना करते हैं 90, अब 60 काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो 9 बटे 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा 3 2 6 और 3 3 9, तो हो जाएगा 3 6 18 2 बटे 3, यानी कि 2 बटे 3। हमने क्या किया, 3 से काटा तो 3 2 6 और 3 3 9 20 बटे 3 आ जाएगा। अब 3 6 18 2 से 2 बटे 3 हो जाएगा, मतलब 6 सही 2 बटे 3 दिन में वो काम को तीनों मिलकर क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 सही 2 बटे 3। ठीक है, बहुत आसानी मेथड से हमने इसको उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रम से 10 और 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ए कितने दिनों में काम को समाप्त करता है, 10 काम। बी कितने दिनों में काम को समाप्त करता है, 40 काम। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेना है, क्या लेना है एलसीएम ले लेना है। तो 10 और 40 का एलसीएम आएगा 40। तो यहाँ पर ये तो आपका हो गया टोटल वर्क, क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा वन डे, यानी कि एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम हो जाएगा। ठीक है, एक दिन का काम कितना है इनका, 10 4 काम। ए एक दिन में काम करता है 4 और बी एक दिन में काम करता है कितना, 1 काम। दोनों मिलकर काम कितना करते हैं, एक दिन में 5 काम करते हैं। टोटल काम कितना है 40, तो 40 बटे 5 कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 8 काम। दोनों मिलकर के काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, 8 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। कितने दिनों में, 8 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे दोनों मिलकर के। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है दूसरा चौथा, कह रहे हैं ए और बी किसी काम को क्रम से 25 दिन 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों साथ में मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 5 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। मतलब 5 दिन तक जो काम है वो ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, 5 दिन बाद ही तो जाएगा ए। तो सबसे पहले हमें निकाल लेते हैं कि ए काम करता है 5 दिन, तो मतलब 5 दिन और वो काम कितना है 25, तो 5 बटे 25 हो जाएगा, 5 दिन तक तो काम करेगा। प्लस में बी टोटल काम करेगा, मतलब शुरू से लेकर अंत तक रहेगा, तो मतलब टी बटे हो जाएगा 30। टी हमें बी का नहीं पता कितने दिन में काम को समाप्त करेगा, ठीक है, क्योंकि जो बाकी काम बचेगा वो कौन समाप्त करेगा, बी ही समाप्त करेगा। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 5 बटे 25, मतलब ए जो है काम को समाप्त करता है 25 दिन में, और जो 30 दिन में काम को समाप्त कौन कर रहा है, बी कर रहा है। अब दोनों मिलकर के इतने दिनों में करेंगे यही बताना है हमें। तो 25 और 30 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 150, कितना जाएगा 150। तो 25 छः का होता है 150, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 5 30, यहाँ पर कितना जाएगा 30 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, 25 छक्का होता है कितना 150 और 6 5 हो जाएगा 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 30। 3 5 होता है 15, मतलब यहाँ पर 30 5 हो जाएगा 150, मतलब 5 यहाँ पर हो जाएगा 50, बराबर कितना है एक काम है। अब बताएं, अब यहाँ पर 1 बटे 1 होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आएगा 30 प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा 150। अब 50 बराबर 150 माइनस कितना हो जाएगा 30 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 50 बराबर 120। तो t बराबर आंसर आ जाएगा 120 भागे कितना हो जाएगा 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 2 10
और दो बचेगा तो पाँच चौक बीस, यानी कि 24 दिनों में काम जो है दोनों मिलकर के क्या करेंगे, काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दोबारा समझ लीजिए, ए और बी की बात कर रहे हैं, ए और बी क्रमशः 25 दिन 30 दिनों में समाप्त करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम को शुरू करते हैं, परंतु 5 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। मतलब 5 दिन तक तो ए काम करता है, और अगर हमें टोटल काम बी का पता चल जाए तो हम बता देंगे भाई ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त कर रहे हैं। तो हमने कहा 5/24, 5 दिन ही काम कर रहा है तो 5/25 हो जाएगा, प्लस t/30 हो जाएगा, बराबर एक काम। तो 25 और 30 का एलसीएम लेंगे आएगा 150, 25 छक्का होता है 150, और 6/5 हो जाएगा 30, यहाँ पर 30t हो जाएगा, प्लस 3/5 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 5t बराबर एक काम। तो 1/1 होता तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30+5t बराबर 150, 5t/150-30 हो जाएगा जब इसको कंपेयर करेंगे इधर। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाएगा 5t बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 120, t बराबर हो जाएगा 120/5 = 24 दिन, 24 दिनों में दोनों मिलकर के काम को समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 5वां नंबर। दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उस चीज़ को इम्प्रूव किया जाएगा और आगे की वीडियो में, अगली वीडियो में इस चीज़ पर ध्यान देकर आपको चीज़ों को और अच्छे से क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 5वां नंबर। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों साथ में मिलकर काम शुरू करते हैं, पर 6 दिन बाद बी काम को छोड़कर चला जाता है। अब काम कुल कितने दिन में समाप्त, अब यहाँ पर क्या था दोस्तों, अब यहाँ पर हमें टी बटे हो जाएगा 12 दिन, क्योंकि अब ए काम करेगा टोटल शुरू से लेकर के अंत तक, लेकिन बी 6 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/18। कितना हो जाएगा, 6/18 हो जाएगा, बराबर कितना काम, एक काम। पहले ए 5 दिन तक काम करता था पिछले क्वेश्चन में, इसमें अब बी 6 दिन तक काम कर रहा है, 6 दिन बाद बी चला जाएगा। अब 12 और 18 का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना जाएगा, 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, तो 12 + 36 मतलब यहाँ पे 3t हो जाएगा, प्लस 18 × 36 और 6 × 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा बराबर एक। ये 12 कहाँ से आया, 18 × 36 होता है और 2 बार गया तो 2 × 6 = 12, इस 6 से गुणा कर देते हैं तो 12 आ जाता है। अब क्रॉस वही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला काम है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3t + यहाँ पर 12 बराबर कितना आ जाएगा 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 3t = 36 है ना, 36 - 12, तो आंसर आ जाएगा 3t = हो जाएगा कितना 24, तो टी बराबर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 24/3, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 3 × 8 = 24, यानी कि टी बराबर जो हो जाएगा वो 8 दिन में, मतलब 8 दिन में काम को दो कुल काम जो कुल होगा समाप्त, तो वो 8 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए अगले नंबर पर बढ़ते हैं। एसएससी रेलवे में ज़्यादातर रेलवे के एग्ज़ाम की बात करें, अदर स्टेट की बात करें, तो क्वेश्चन हमारे इसी तरह से बिल्कुल बेसिक आते हैं। तो हम मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं बेसिक से चीज़ों को क्लियर करूँगा और हर टाइप के क्वेश्चन कराऊँगा, चाहे मैं कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, परसेंटेज अगर जैसा कि आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा लगभग सारी टाइप आपकी कंप्लीट है। नंबर सिस्टम में मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पर भी मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन कराए हुए हैं। इसके बाद जब सारे टाइपस करा लूँगा फिर मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज फिर मैं स्टार्ट कर दूँगा आपको। ठीक है, तो रेगुलर हम फिर चैप्टर वाइज करेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे, तो मैथमेटिक्स आपकी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जिनकी कैलकुलेशन वीक है तो वो यहाँ पर हमने प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, क्यूब रूट और जो है स्क्वायर निकालना, टेबल है, सब चीज़ें हमने वहाँ पर बताई है, वहाँ पर मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना सब सिखाया हुआ है, तो आप वीडियो करके वहाँ पर जाकर देखें तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा कह रहा है ABC किसी काम को क्रमशः 20, 30, 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 5 दिन बाद ए और 6 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। अब दो जाते हैं, अब 5 दिन बाद ए भी जाता है और 6 दिन बाद बी भी जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 5/20, क्योंकि 5 ही दिन तक काम करता है, प्लस इसको लिख सकते हैं 6 दिन बाद बी जाता है तो 6/30 हो जाएगा, हाँ 6/30 हो जाएगा, और प्लस करेंगे यहाँ पर, अब सी का नहीं पता तो सी पूरा काम कर रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा t/40। कितना हो जाएगा t/40 बराबर कितने काम है, एक काम है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, पर 30, 40 और 20 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आएगा सबका 120, कितना आएगा 120, तो 20 छक्का हो जाएगा 6/5 30, और यहाँ पर हो जाएगा 3 × 12 तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 24, और प्लस यहाँ पे 4 × 12 मतलब 3t, तो यहाँ पर हो जाएगा टी बराबर कितना है, एक काम है। ठीक है, बराबर एक काम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हमें काम करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 + 30 + 24 हो जाएगा 54 + 3t = 120। ठीक है, अब 3t = 120 - 54 करेंगे
तो आएगा 3t बराबर 66 आ जाएगा। ठीक है, तो t बराबर जो आंसर बनेगा हमारा, t बराबर 66 अपॉन 3 हो जाएगा। तो 3 × 6 और 3 × 6 मतलब t बराबर जो है 22 दिन में काम को समाप्त करते हैं। कितने दिनों में काम को समाप्त करते हैं? 22 दिनों में काम को समाप्त कर दिया जाता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि काम जो कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, तो काम कुल जो है 22 दिनों में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु काम समाप्त होने के 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चला जाता है। अब काम कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो दोस्तों अब यहाँ पर मान लेते हैं काम जो एक काम छोड़कर कब करता है, कुल काम समाप्त होने के 3 दिन पहले। मतलब हमने मान लिया टी दिन में काम को समाप्त करेगा, तो टी माइनस 3 मतलब 3 दिन कुल काम जो समाप्त कर रहा है, मान लीजिए 10 दिन में, तो उसमें से 3 घटा देंगे मतलब 7 ही दिन तो काम होता है, 3 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। तो मान लीजिए कुल काम जो है 10 दिनों में समाप्त होता है, और 10 दिनों में समाप्त हो रहा है, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ही कौन छोड़कर जा रहा है? ए जा रहा है। तो हमने मान लिया टी माइनस 3 और बराबर यहाँ बटे हो जाएगा यहाँ पर कितना, 15 दिन, क्योंकि 15 दिन ए जो है काम करता है। ठीक है, अब उसके बाद हो जाएगा फिर हमारा प्लस करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब बी की बात करते हैं, तो जो बी होगा वो भी मान लीजिए टी दिनों, क्योंकि बी तो काम छोड़कर नहीं जा रहा है, वो शुरू से लेकर के अंत तक रहेगा। तो हम यहाँ पर करेंगे टी बटे 12, टी बटे 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पर बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 और 15 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 15 × 60 यानी कि 4t, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 4 × 3 = 12, प्लस यहाँ पर 12 × 60 12 × 5 = 60, तो यहाँ पर हो जाएगा 5t हो जाएगा। ठीक है, 5t हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बराबर एक काम, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, तो यहाँ पर देखें कि जो क्रॉस हमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस बारह और प्लस यहाँ पे क्या है, 5t। ठीक है, तो 5t और 4t कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 90 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 12, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, 9t बराबर 60 है। अब 60 में क्या करना है हमें, अब यहाँ माइनस 12 है तो यहाँ पर आ जाएंगे तो प्लस 12 हो जाएगा, तो 9t बराबर हो जाएगा 9t बराबर 60, और 12 कितना होता है, 72, तो t बराबर आंसर आ जाएगा हमारा 72/9 यानी कि कितना हो जाएगा, 8 दिन हो जाएगा। मतलब 8 दिन में जो है काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, 8 दिनों में काम कुल जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, जितनी बातें क्वेश्चन में बोली जा रही है सिर्फ आपको उतना ही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर है। कह रहे हैं कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20, 30, 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 5 दिन बाद एक और काम समाप्त होने के 5 दिन पहले बी काम छोड़कर चला जाता है। काम कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जो काम करता है परंतु 5 दिन बाद ए, मतलब 5 बटे हो जाएगा 20, 5 ही दिन तक ये काम करता है, प्लस काम समाप्त होने के 5 दिन पहले बी छोड़कर जाता है। तो मान लीजिए बी जो है टी दिन काम कर रहा है, माइनस उसमें से 5 कर देंगे, मान लीजिए वो 10 दिन काम किया, तो 10 दिन में काम समाप्त हो जाता है, तो 5 दिन पहले वो बी चला गया, तो टी माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, बटे यहाँ पर हो जाएगा 30। अब प्लस करेंगे, यहाँ पर सी की बात हो रही है, तो सी जो है पूरा काम कर रहा है, वो छोड़कर नहीं जा रहा, तो टी बटे हो जाएगा 40 बराबर एक काम। बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। अब 30, 20 और 40 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 120, तो 20 छक्का हो जाता है कितना, 120, तो 6 × 5 हो जाएगा 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 30, प्लस 3 × 12 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4t, क्या हो जाएगा, 4t माइनस 3 × 12 4 × 5 हो जाएगा 20, यहाँ पर माइनस 20 हो जाएगा, प्लस 4 × 12 यहाँ पर हो जाएगा 3t बराबर एक काम। अब सेम काम वही करना है, 30 और माइनस 20, तो हो जाएगा कितना, 4 × 3 = 7 7t बराबर, प्लस 30 है और माइनस 20, तो कितना जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, 7t प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10 बराबर 120 हो जाएगा। ठीक है, अब 7t बराबर 120 है, अब 120 माइनस करोगे कितना जाएगा, 110 आएगा, 120 माइनस कितना हो जाएगा, 10 अगर हम करेंगे तो आंसर कितना जाएगा, माइनस 10, क्योंकि अभी प्लस 10 है, तो 120 में से माइनस 10 करेंगे तो आंसर बनेगा 7t बराबर 110, तो t बराबर जो आंसर आएगा 110 बटे हो जाएगा 7। अब 110 बटे 7 करेंगे तो कितना जाएगा, 15 सही 5/7 दिन में काम को क्या हो जाएगा, 15 सही 5/7 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 15 सही
5/7 काम क्या हो जाएगा, 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा काम, कुल कितने दिनों में काम समाप्त होगा, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 बिल्ली 7 चूहों को खाने में 2 घंटे का समय लगाती है, तो दो बिल्ली 3 चूहों को कितने समय में खा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, वही काम जो हो रहा है वो देखिए M1 और H1 डिवाइड बाई W1 बराबर M2 S2 और डिवाइड बाई W2। तो M1 जो हो जाएगा कितना है, 7 बिल्ली हैं, कितने चूहों को खाने में कितना समय लग रहा है, 2 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, काम कितने दिनों में, समय चूहे कितना है, काम जो हो रहा है वो 7 हो रहा है, मतलब M1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7 चूहे, यानी कि जो चूहे हैं वो कितने हैं, वो भी 7 हैं। ठीक है, और घंटे कितने लग रहे हैं, H1 कितना है, 2 है, तो आ जाएगा 7 × 2 और डिवाइड बाई 7 बराबर M2 कितना है, M2 है यहाँ पर 2, और हमें कितने समय में खा लेगी, तो मतलब कितने समय में खाएगी, H2 निकालना है, समय निकालना है, और डिवाइड बाई कितने हैं, यहाँ पर चूहे कितने हैं, 3 हैं, यहाँ पर चूहे कितने थे, 7, और यहाँ पर चूहे कितने हैं, 3, तो जो चूहे हैं उनको हमने नीचे कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, 7 दुनी हो जाता है यहाँ पर कितना, ये 7 और 7 कट जाएगा ना, 7 7 कट गया, और ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा। ठीक है, अब जब कटा तो H2 बराबर कितना आएगा, 3, H2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि कितने समय में खा लेगी, 3 घंटे में, यानी कि 2 बिल्ली 3 चूहों को कितने समय में खाएगी, तो वो 3 घंटे का समय लगाएगी, कितने समय का, 3 घंटे का समय लगाएगी, तो यानी कि H2 बराबर हमारा जाएगा 3। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही था, 9 क्वेश्चन, और आप जो है किसी भी बुक से प्रैक्टिस जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, अभी आपने जितने भी क्वेश्चन किया है और इसके पहले की वीडियोज़ को जरूर देखें, और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट करें, प्रैक्टिस भी लगाएँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर हमसे डिस्कस करें, हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, आप टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, PDF पाना है तो आप PDF के लिए भी कमेंट कर सकते हैं, PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, टेलीग्राम चैनल पर आएंगे तो वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, कोई क्वेरी होती है तो आप ज़रूर हमसे पूछें, और इस तरह के मैं भी अब और भी टाइम एंड वर्क पर, अभी सिर्फ 4 ही वीडियो मैंने बनाया है, अभी इसके बाद और भी वीडियोस में कंटिन्यू करूँगा, यानी कि मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे इसी पैटर्न पर, इसके बाद हम करेंगे टेस्ट पेपर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।